हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल ऑपरेटर क्या होता है। जावा में स्पेशल ऑपरेटर डॉट चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, डॉट सिंबल होता है उसका। तो हम इसे कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं ये सब पहले समझते हैं। तो स्पेशल का मतलब कुछ विशेष ऑपरेटर जो विशेष कार्यों के लिए होता है। जैसे हम जब जावा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक। जैसे किसी भी मेथड्स को कॉल करना है, वेरिएबल्स क्लास को कॉल करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट फिर मेथड्स नेम करते हैं, जैसे कह सकते हैं। और इस डॉट ऑपरेटर को जावा में इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, इंस्टेंस ऑफ, ठीक, डॉट ऑपरेटर। तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट को बनाने में, ठीक। तो इज मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि यदि पर्सन पर्सन नाम का कोई ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक, उसे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके स्टूडेंट नाम की क्लास को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो यदि यह सही है, पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट नाम की क्लास बनी हुई, तो ये इंस्टेंस ऑपरेटर ट्रू करेगा और नहीं तो ये फॉल्स बता देगा। तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम बना हुआ है तो एज नाम का हमने वेरिएबल बनाया, किसी की सैलरी बनाई, ये सारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। जब हम मेथड्स मान लीजिए जैसे सैलरी नाम का हमने मेथड्स बनाया, ठीक, अब उसे हम ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे, ऑब्जेक्ट जिस नाम से बनाएंगे, जैसे ओबीजे नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे, स्टूडेंट नाम की क्लास है स्टूडेंट, फिर ऑब्जेक्ट का नेम जैसे ओबीजे दे दिया, इज इक्वल, फिर न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और इसके बाद फिर उसी क्लास का नेम यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट, फिर फंक्शन, फिर सेमी कॉलम से क्लोज कर दीजिए, ठीक। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, जैसे ओबीजे नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे करके डॉट यानी स्पेशल ऑपरेटर, इसे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर कहा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओबीजे डॉट और जिस मेथड, जैसे सैलरी, स्टूडेंट की सैलरी या कोई भी कर्मचारी है उसकी सैलरी या फीस मान सकते हैं कि कॉलेज फीस नाम से हमने मेथड बनाया फीस, और उस फीस नाम के मेथड्स को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, ओबीजे डॉट फीस फंक्शन, फिर सेमी कॉलम से क्लोज करते हैं। तो इस तरह से हम ये स्पेशल ऑपरेटर यानी इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों, स्पेशल ऑपरेटर, और आज से यहीं से हमारे ऑपरेटर लास्ट होता है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स या जावा वर्चुअल मशीन, बहुत सारे अभी जावा के टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो आज हमने सीखा क्या, ऑपरेटर्स। तो तब तक के लिए आप हमारे पुराने ट्यूटोरियल्स यानी पहले के ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जो यदि आपने देखे हैं तो अच्छी बात है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको ऑपरेटर में कोई भी समस्या हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और यदि कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ उसमें कोई सजेशन देने के लिए कमेंट करिए, या कि हमारे फेसबुक पेज को मतलब कि फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी पहुँच सकते हैं, कोई भी जानकारी हो तो दे भी सकते हैं, और यदि नहीं बन रही है तो उसका सलूशन मैं दूंगा, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए बाय।